मैंने खुद अपने बच्चों से झूठ बोला कि उनके अब्बू अभी ईद पे आएंगे, रमजानों में आएंगे, अब दूसरी ईद आ रही है तब आएंगे, अब बड़े बेटे के बर्थडे पे आएंगे, अब छोटे के पे आएंगे, अब सबके बर्थडे चले गए, सब ईद चली गई और अब दिवाली भी है, वो भी चली जाएगी और हम इंतजार कर रहे हैं। अभी इस वीडियो के जरिए मैं आप सबसे एक बात पूछना भी चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जो तकलीफ हमें हो रही है उसी तरीके की तकलीफ और भी कई लोग हैं जो जेलों में कैद हैं। आसिफ है, मीरान है, उमर है, इतने सारे लोग बेकसूर होते हुए जेलों में कैद हैं, उन सबके घर वालों को भी वही तकलीफ हो रही है। आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन सबके लिए आवाज उठाएं जिस तरीके से भी हो सके, आप सभी के लिए आवाज उठाएं। टॉर्चर होने के, टॉर्चर जो करा गया था उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि वो सच बोलते थे, उनको किसी के सामने झुकना नहीं था, उनको सरकार की बेकार की बातों को मानना नहीं था, उनको अपनी हक की आवाज बुलंद करनी थी, अपने साथियों के लिए, अपने साथियों के साथ खड़े होके उनके अपनी आवाज उनको उठानी थी और जो उन्होंने उठाई भी। जहां मसला आता है कॉलेजेस का, चाहे वो जेएनयू हो या वो जामिया, उनको जहां लगा अपनी आवाज उठानी है उन्होंने हर जगह अपनी आवाज उठाई, चाहे वो आसाम के लिए हो या मॉब लिंचिंग के लिए हो, उन्होंने सड़कों पे आके हर तरीके से अपनी आवाज उठाई। तो क्या अब नहीं लगता कि उनके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए? हम लोग कहां जाएंगे, किससे कहें हम? जब मैं अपने हस्बैंड से बार बार कहती थी कि आप क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो वो कहते थे कि अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, पर अब हमारे साथ तो हो गया है। फिर मैंने खुद अपने बच्चों से झूठ बोला कि उनके अब्बू अभी ईद पे आएंगे, रमजानों में आएंगे, अब दूसरी ईद आ रही है तब आएंगे, अब बड़े बेटे के बर्थडे पे आएंगे, अब छोटे के पे आएंगे, अब सबके बर्थडे चले गए, सब ईद चली गई और अब दिवाली भी है, वो भी चली जाएगी और हम इंतजार कर रहे हैं। बस मैं अंदर हमारी अभी थोड़े दिन से बातें होनी शुरू हुई है, लॉकडाउन के दौरान कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी भी तरीके की मुलाकात नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, बड़ी मुश्किलों से लॉकडाउन के बाद उन लोगों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुलाकात करनी शुरू करी थी, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मुलाकात हुई थी। उससे पहले लास्ट मुलाकात क्राइम ब्रांच में जब वो लेके आए थे उनपे, एक क्राइम ब्रांच वाला जो केस लगाया था तब वो लोग लेके आए थे, तब हमारी लास्ट मुलाकात फिजिकल हुई थी, हम उनसे जाकर मिलके आए थे। जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हमारा साथ दीजिए, हम सबका साथ दीजिए, किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये सब जानते हैं, दंगे किसने करवाए ये भी सब जानते हैं, घर किसके जले ये भी सब जानते हैं, मरे कौन ये भी सब जानते हैं, और मरने वाले कोई हिंदू मुसलमान नहीं होते, सब इंसान हैं। जो लोग अंदर कैद हैं उनका किसी का कोई रोल नहीं है, और मैं उन लोगों में से मैं सभी को तो नहीं जानती, कुछ लोगों को जानती हूं, तो उनका कोई रोल नहीं है। और खास तौर से मेरे हस्बैंड, वो तो एकदम बेगुनाह बेकसूर है, उनका कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, वो घर में भी ऊंची आवाज से बात नहीं करते, उनके आप कहीं भी कोई वीडियो देख लीजिए, फोटोज देख लीजिए, वो हमेशा प्यार मोहब्बत अमन और सुकून की बात करते हैं। वो दिवाली पे
जिस तरीके से वो ईद सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से वो दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबसे पहले इंसान है। जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे वो लोग कहाँ हैं? उनसे तो कोई पूछताछ नहीं हुई। तो हमें नहीं समझ में आता कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हम लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं। अब उम्मीद है, दो 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 केस में बेल मिली है और इससे उम्मीदें और बढ़ी हैं, इससे यकीन बढ़ा है कोर्ट पर कि अभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अभी सारे ही लोग एक तरफा सुनवाई करते हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अभी हक के लिए आवाज उठाते हैं और हक सुन के, अच्छा सुन के फैसला करते हैं। बहुत से जज अभी इस तरीके से भी हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमें बेल मिलेगी बहुत जल्दी। उनका सुबह से उनका एक शेड्यूल बन चुका है वहां पे। उन्होंने वहां पे लोगों को गेम्स खिलाना, जो वो खुद भी खेलते हैं और वहां लोगों को खिलाते हैं, लोगों को पढ़ाई कराना। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको खुद का पढ़ना लिखना भी नहीं आता, बहुत से यंग लड़के हैं वहां कम उम्र के, तो वो लोग लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। इन्होंने माशाल्लाह ये सिम्बायोसिस से पढ़े हुए हैं पुणे से, तो इनके अच्छे से उनको आता है, पढ़ाना भी आता है। तो ये लोग वहां पे ये सभी लोगों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं और कुरान भी पढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन और सपोर्ट, तो जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो सभी लोगों ने हमारा ख्याल रखा हुआ है, हमारे घर का ख्याल रखा हुआ है अच्छे से। तो बस अभी उसी वजह से बस ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू दलित कैमरा। थैंक यू सो मच।